स्वागत है मेरा YouTube चैनल विशी डागर ब्लॉग में। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है किचन से, तो वही मेरा रोज का रूटीन होता है, दूध गर्म करना, सब्जी बनाना, आटा लगाना। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, जो वैशाली मेरी हेल्प कर रही है। वैशाली भिंडी काट रही है, लहसुन मैंने छील दिया था तो वो लहसुन लहसुन काट रही है। और मैंने लोहे की कढ़ाई में, जिसमें मैंने कल पूरी बनाई थी, उसी में मैं आज भिंडी की सब्जी छौकूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइज, जो मेरे चैनल पे न्यू आता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहे। तो गाइज, ये मैं भिंडी की सब्जी बना दी है, छौक दी है मैंने, और कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही है क्योंकि 1 किलो भिंडी थी। तो फिर भी मैं इसमें मैनेज कर लूँगी, मैं इसमें पूरी भिंडी मैं मतलब बना लूँगी। एक तवे पे रोटी चढ़ा रखी है मैंने, और दूसरा गाइज, जिसने भी मेरी वीडियो लाइक नहीं की है लाइक कर दीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मैं भिंडी हिला रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे भिंडी हिलाते रहना चाहिए, जिससे नीचे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, नीचे लग ना जाए। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि भिंडी बहुत जल्दी गलती है, भाप में जल्दी बन जाती है, और अजवाइन का छोक लग जाता है भिंडी में तो और भी स्वाद बन जाती है। लेकिन यादू को अजवाइन पसंद नहीं है, इसलिए मैं जीरे में छोक लगाती हूँ। इसलिए भिंडी में जीरे का छोक लगाना, मैं समझती हूँ कि यादू को जब पसंद नहीं है तो मैं जीरे का छोक लगाती हूँ भिंडी में। और एक तवे पे मैं रोटी बना रही हूँ, जिससे कि यादू लेट हो रहा था क्योंकि 11 बजे तक रोटी सब्जी रेडी होनी चाहिए, और उस टाइम शायद 10-11 का टाइम हो रहा था फटाफट रोटी सब्जी बनाने में, क्योंकि मेरे को रोटी सब्जी बनाने में बिल्कुल भी आलकस नहीं आता। मुझे रोटी सब्जी चाहे कितनी बनवा लो, हाँ मुझे बर्तन मांजने में बहुत, एक बर्तन मांजने और प्रेस करने में बहुत आलकस आता है। जो बर्तन दीक्षा मांजती है पूरे दिन के, मैं खाना बनाती हूँ सुबह शाम का, और देख सकते हो पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मुझे, पसीने में नहाई पड़ी हूँ मैं, और पसीने टपक टपक बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सफाई होगी जब, ऐसे मत बोलो, सफाई है घर में। वैसे हम सफाई रखते हैं गाइस, हम इतना गंदा घर नहीं रखते, पर क्या करें, वो डोगी की वजह से थोड़ा सा हमारा घर इनबैलेंस हो रहा है। लेकिन वैशाली जल्दी उठती है, पर घर में हाँ यूं है कि हमारा डोगी जो है ना 6 बजे उठ जाता है। चलो वैशाली जल्दी उठती है तो उसको संभाल लेती है ठीक। और मैं पसीने में बिल्कुल नहाई हुई हूँ, उठ के डस्टिंग वस्टिंग कर देती है, काम वो झाड़ू पोछे वाली आती है हमारी, तो ठीक है डस्टिंग कर देती है उठ के, फिर काम थोड़ा बहुत कम रह जाता है। मैं खाना बनाती हूँ सुबह का, चाय वाय करती हूँ ठीक है। आज मैंने भिंडी, मेरी फेवरेट, 1 किलो भिंडी लाई थी, इसको बोला था मैंने 3 पाउड भिंडी लाने के लिए। तीन मुझे पता ही ना है ना, कितने की आई थी भिंडी नहीं पता, इसको यही नहीं पता, ली आई भिंडी, पैसे दिए और ली आई 200 रूपये। तो गाइस आज हम जाएंगे नेल एक्सटेंशन कराने, तो डायरेक्ट अब हम आपको वहीं मिलेंगे। हम निकल रहे हैं ठीक है, पहले लेंगे बस फिर लेंगे मेट्रो। तो देखो वैशाली कितनी अच्छी लग रही है, अच्छी कहती है कि मुझे कैमरे में मत दिखाओ, मुझे कैमरे में मत दिखाओ ठीक है। तो एक्टिंग करती है, इसको एक्टिंग ही आती है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इसको। तो गाइज ये देखो इसको, गाइज हमें एसी बस मिली है और हमें बहुत खुशी मिलती है जब हमें एसी बस मिलती है क्योंकि इस रूट पे बसों की बहुत दिक्कत होती है। तो गाइज यहाँ वैशाली अपनी चप्पल ठीक करवा रही है, जहाँ चप्पल इसकी। तो गाइज हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, इतनी बुरी आ रही, कुछ बुरी ना आ रही तो ज्यादा मत इतना है ठीक है। मेट्रो का वेट करते हुए बहुत शोर हो रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा ठीक है। इधर इधर से मेट्रो आएगी, तो गाइस देख सकते हो मेट्रो में कितनी भीड़ है। वीडियो बना
हम राजौरी पहुंच चुके हैं, राजौरी गार्डन की मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ सही लगेगा। तो गाइस आप मेरे नेल्स नेल आर्ट करवाऊंगी मैं, और यहाँ पे मेरा भैया नेल्स फाइलर से कर रहे हैं काम, और देखते हैं एंड में मेरे नेल्स कैसे होते हैं, क्या कलर करवाती हूँ मैं। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइज आप देख सकते हो कि कितने प्यारे प्यारे कलर हैं इनमें से। मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि सारे ही कलर एक एक उंगली में करवा लूँ, पर नहीं हो सकता ऐसे, इनमें से एक ही कलर चूज़ करना था। और ये काम चल रहा है हमारे नेल्स का, और ये देखो कितनी सुंदर सी लुगाई बैठा रखी है। पूरी हीरोइन से बना के बैठा रखी है। और ये मेरी चाय है जो मैंने कह के बनवाई थी, क्योंकि मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे जाते ही मुझे चाय मिल गई और मेरे को मज़ा सा आ गया। और ये भैया काम कर रहे थे, ये मैं चाय पीते हुए, वाह वाह वाह, आ हा हा हा, मज़ा आ गया। चाय पीते ही तो मज़ा आ जाता है। तो ये मेरे नेल्स फाइनल हो गए हैं। तो गाइस कमेंट में प्लीज़ बताना मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं। तो भाई मुझे तो पसंद आए नहीं आए मैं क्या बता सकती हूँ। मुझे कलर करवाना था स्काई ब्लू कलर, लेकिन वैशाली ने यही कलर मुझे सजेस्ट किया कि मम्मी ये कलर करवाओ, लेकिन मुझे थोड़े कम पसंद आए। लेकिन चलो ठीक है, चल जाएगा काम, सही लग रहे हैं। लेकिन आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि कैसा कलर लग रहा है। गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने ही नेल्स पे नेल आर्ट करवाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो जो नकली नेल्स होते हैं उन पे नेल आर्ट करवाऊं, क्योंकि वो बाद में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं जब उनको छुटाते हैं। और वैशाली ने ब्लू कलर करवाया जो वैशाली का तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि फिर पता है यहाँ देख सकते हो कि वैशाली तो अब इतनी समझदार हो गई कि पैसे कम करवाती है। यहाँ पर इसने पैसे कम करवाए थे। वैशाली हमेशा यहीं आती है, इसीलिए इन्होंने सही कम कर दिए थे। और मतलब ये बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं। और ये मार्केट आप देख सकते हो, पूरी राजौरी की मार्केट है, मार्केट बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ सामान भी बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज हम इस शोरूम में घुसे और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छी अच्छी कलेक्शन थी, बहुत ही अच्छे मतलब यहाँ टॉप लॉन्ग ड्रेस थी। जो मुझे पसंद आया उसका साइज़ मेरा मिला नहीं, इसीलिए हम यहाँ से निकल लिए थे, देख सकते हो आप। और ये मैं हूँ, ये मेरा आज का लुक था, जो मैं वाइट कुर्ती वाइट चुन्नी वाइट पैंट पहन के गई थी। और ये ड्रेस मुझे इनमें से पसंद आई थी, जो मेरे साइज़ का मिला नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे तो शायद मिल जाएगा, तो मैं यहीं से ख़रीद के लेके आऊँगी। और ये देखो टगली। और ये हम जीने में से उतरते हुए। गाइस वैशाली हमें लेके जा रही है, मुझे लेके जा रही है मैकडी, पता नहीं कितना चलाएगी हमें, मुझे 13 मिनट का रास्ता है। ओ माय गॉड, पैदल रिक्शा ले ले, मिल जा तो 13 मिनट तो बहुत दूर है, फिर वापस भी आना है। वापस यहाँ क्यों आना है फिर? अब बाजार में कुछ खरीदना आपने? नहीं कुछ नहीं खरीदना। तो चलो, तू तो ड्रेस दिला रही थी, आपने पसंद आई, बर्थडे होगा ना, हाँ उसके आस पास दिला दूंगी। ठीक है, तो गाइस फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं और बहुत थक चुके हैं। तो हमारा व्लॉग कैसा लगा तो बताना, और मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं। गाइस मुझे तो इतने अच्छे नहीं लग रहे, वैशाली ने ये वाला कलर करवा दिया, मुझे स्काई ब्लू कलर करवाना था और वैशाली ने ये वाला कलर करवा दिया। तो प्लीज कमेंट में बताना कैसा लग रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये व्लॉग मेरा यहीं पे खत्म होता है, बाय। और हाँ, मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, ठीक है।